तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। तो चलो आज कुछ क्लियर करते हैं। बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं मैंने। तो सबसे पहले मैं गार्निशिंग की बातें करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइट कंपाउंड को लिया हुआ है और उसके बाद उसको फैलाने से हल्की पतली लेयर फैलाने के बाद उसको कंघी से इस तरीके से कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा प्रेस करके करना है, तभी नीचे की डिज़ाइन आपको दिखेगी, वरना अगर आप हल्के से करोगे तो पीछे का बैकग्राउंड नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने ब्लैक चॉकलेट को आपको टेबल के ऊपर ऐसे फैलाते रहना है जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए। एकदम सेट नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, जिससे कि वो फोल्ड हो सके और ज़्यादा मेल्ट भी ना हो, आपस में चिपक जाए, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको हटाकर एक दूसरे से अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको बनाने के बाद मैंने इसका एक केक भी बनाया था और उसकी भी वीडियो आज ही अपलोड कर दी थी, क्योंकि आप लोग को वेट रहता है। तो बहुत सारे आज मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिए थे। तो इस वीडियो के बाद मैंने यहाँ पे एक केक बनाया था हाफ़ के जी का, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। और ये केक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने बनाया था कुछ नया डिज़ाइन ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पिंक लिक्विड कलर को लिया एंड कलर की आइसिंग क्रीम बनाने के लिए अगर दिक्कत हो तो आप लोग इस तरीके से डस्ट करके फिर आइसिंग कर सकते हो, तो एक कलर आ जाता है। बीच में एक फ्लावर लिया और फिर साइड में ये वाली गार्निशिंग का यूज़ किया। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जैसे भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडवांटेज देने के लिए इस तरीके से लगा दिया एंड साइड में कुछ गोल्डन स्टार्स डाल दिए और सिल्वर बॉल्स ऊपर की साइड लगा दिए और फिर सिल्वर डस्ट से केक फिनिश हो गया। उसके बाद मैंने एक केक और डेकोरेट किया था कल, हाफ के जी का केक था। साइड में मैंने डिज़ाइन जो मारी थी वो भी विप क्रीम से की थी। ऊपर की साइड मैंने ब्लू कलर की विप क्रीम से आइसिंग की एंड फिर ग्रीन कलर से कुछ इस तरीके से पेड़ बना दिए थे। फिर छोटे छोटे फ्लावर्स को साइड में बना दिए। साइड की डिज़ाइन ज़्यादा मेंटेन की थी, ऊपर एकदम सिंपल सोवर सा रखा था और पिंक तरीके से इसे किया। जब आप इस पर ब्लैक डॉट दे देते हो तो वो एक कंट्रास्ट अच्छे से आ जाता है। और फिर मैंने नीचे कुछ चेरीज लगा दिए, अमेरिकन चेरीज, सिल्वर बॉल्स डाल दिए, वाइट बॉल्स डाल दिए एंड फिर नीचे की साइड चॉको चिप्स डाल दिए। सामने से केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मैंने कुछ ये बटरफ्लाइज लगा दिए और थोड़े से बॉल्स लगा दिए, जिससे केक और भी सुंदर हो गया। और ये हो गया हमारा केक कंप्लीट, जिस केक का प्राइस जो था वो है 350 रुपीज़। अच्छा, इस वाले की वीडियो भी आपको दिखाता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। अंडे का जो पीली वाली जर्दी होती है उसको निकाल के सिर्फ वाइट वाला एग लेना है, और उसका जितना एग लेंगे उसके डबल मात्रा में चीनी डाल के आपको फेंट लेना है और फेंटते रहना है जब तक कि वो इस तरीके से जैसे वो बता रही है इस तरीके का ना हो जाए। अगर आप लोग इसमें कोकोनट ऐड कर दोगे तो वो माइक्रोन बिस्कुट बन जाएगा पूरा, अगर इसमें अगर आप वो कर देते हो। इसका वेट बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही लाइट केक के ऊपर लगाने के लिए, बट ये वेज नहीं होता है, तो आप लोग थोड़ा समझ लेना ये वेज नहीं होता है। फिर उसके बाद मैंने कप पेस्ट्री बनाई थी और मैंने कप पेस्ट्री के लिए भी सोचा कि वाइज ओवर करूँगा, तो नीचे की साइड मैंने क्रीम लगा दी है एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पंज कट करके अच्छे से उस केक के ऊपर लगा दिया है। नीचे की साइड क्रीम, फिर मैंने स्पंज लगाया और उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश और थोड़ा सा पानी ऐड करके और थोड़ा सा चीनी ऐड करके इस पे गिरा दिए हैं, क्योंकि जिससे कि टेस्ट भी आ जाए, थोड़ा मीठा भी हो जाए और स्पंज भी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद चॉको चिप्स ऐड कर दिए। चॉको चिप्स ऐड करने के बाद फिर उस पे डिज़ाइन कर दी, जो भी अपना वैनम नोज़ल से मैंने डिज़ाइन किए। आप लोग अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप आपके ऊपर डिपेंड है कि किस प्राइस में आपके यहाँ जाता है। तो ये तो मेरे यहाँ से 15 रुपये का जाता है, तो सिंपल डिज़ाइन ही रहे। तो ऊपर की साइड मैंने कुछ मल्टी कलर्स के जो वेफर्स आते हैं वो डाल दिए, चॉको चिप्स डाल दी एंड एक लास्ट केक मैंने बनाया था एनिवर्सरी के लिए, बहुत ही सिंपल केक। एक कमेंट भी था कि भैया कोई इजी सा केक बनाइए। तो केक की आइसिंग के बाद मैंने यहाँ पर रेड रिबन का यूज़ किया एंड फिर उसको फिनिशिंग देते हुए ऊपर की साइड कुछ सिल्वर बॉल्स एंड साइड में कुछ वाइट एंड रेड हर्ट्स। आप लोग रेड एंड वाइट ट्यूब से कोई डॉट डॉट भी कर सकते हो, बॉल नहीं है तो कुछ और भी चेंज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यूज़ करते हुए यहाँ पे बताया था आपको। और एक छोटा सा एनिवर्सरी टैग, इसी टैग के साथ आता है दो हर्ट्स, और इसको भी मैंने केक के ऊपर लगा दिया
और ये केक भी हो गया है हमारा कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा, करते हैं उम्मीद करते हैं सबको। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।